पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुवाकों एवं विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, और आज इस क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्ष रेखा पर, कल हमने इसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी, और आज हम इसकी निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो ये गणना करने के लिए, जैसा कि कल भी हमने पहले डायग्राम इसका बनाया था, और डायग्राम के बाद में इसका डेरिवेशन किया था, इसका व्यंजक व्युत्पन्न किया था, तो सर्वप्रथम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए माना कि एक द्विध्रुव जिसमें दो आवेश होते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, जो कि क्रमशः ए व बी बिंदु पर स्थित है। हमें पता है कि द्विध्रुव के बीच की दूरी अत्यल्प दूरी हम मानते हैं, और वो दूरी ली थी हमने 2a। 2a क्यों ली थी? ताकि हमें जो बिंदु चाहिएगा, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है, वो बिंदु इसके केंद्र से लिया जाएगा। अगर 2a दूरी ली जाएगी तो इस दूरी को आसानी से a और a में विभक्त किया जा सकता है, अन्यथा अगर a दूरी ली जाती तो a/2 में इसको विभक्त करना पड़ता, और आगे की जो गणना होती वो थोड़ी सी जटिल हो जाती। तो इसका जो केंद्र बिंदु है O, बीच की दूरी 2 है, तो केंद्र बिंदु O है, तो आसानी से इसको A और A भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित किया जा सकता है। अभी इसी द्विध्रुव के केंद्र से, इस द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्ष रेखा, निरक्ष रेखा यही रेखा जो कि अक्ष के लंबवत है, और इसके द्विध्रुव के केंद्र से पारित रेखा है। हाँ तो सर यही तो है निरक्ष रेखा, कौन सी? ये देखो, ये भी निरक्ष रेखा। इसके इस निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम सर्वप्रथम दोनों आवेशों के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। दिशा का निर्धारण करने के लिए, जैसा कि कल बताया था, किसी भी धनावेश के कारण सदैव विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो त्रिज्य रूप से बाहर की होती है। अगर बिंदु P यहां पर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ किस तरीके से होगी, जैसे ये रहा धनावेश अपना और ये रहा P बिंदु, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो दिशा कुछ इस तरीके से होगी। देखें, वो कुछ इस तरीके से, जिसे हम E प्लस Q सदिश से निरूपित करेंगे। और इसी प्रकार ऋणावेश के कारण, जानते हैं हम ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा उस आवेश की ओर ही होती है, उस आवेश की ओर। ये रहा अपना ऋणावेश और इस P बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देखनी है, तो सर्वप्रथम इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की ओर ही, मतलब कि इसको E माइनस क्यू सदिश द्वारा निरूपित किया जाए। इस प्रकार धनावेश और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो अपन प्रदर्शित करेंगे। अपने पास में दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP, अगर इस त्रिभुज BOP को यहां से मोड़ते हुए अगर इस पर अध्यारोपित कराएं तो ये पूर्णतः इस पर अध्यारोपित हो जाएगा, इसको ढक देगा। कहने का मतलब त्रिभुज AOP और BOP, ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सब, मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूं। देखो एक बार, ऐसे प्रूफ करना नहीं है लेकिन फिर भी आपको यह प्रदर्शित करता है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। पहली चीज देखें, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP, इन त्रिभुज AOP, AO इज इक्वल टू OB, AO इज इक्वल टू OB, एंड एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों कैसे 90 डिग्री के कोण है, और OP दोनों त्रिभुज में जो OP है वो कैसी है, वो बेनिस्टर, मतलब कि एक भुजा, दोनों त्रिभुज में ये भुजा और बीच का ये कोण 90 डिग्री का, और एक ये भुजा, तो भुजा कोण और भुजा, ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण और इनके जो संगत भुजाएं वो भी कैसे होगी, एक समान होगी। कोण PAO कोण थीटा ये बराबर होगा कोण PBO के, थीटा कोण ये बराबर होगा। और जो भुजा है अपनी, भुजा कौन सी,
ये जो एपी भुजा है, एपी भुजा अगर ये एक्स है तो ये भुजा भी कितनी होगी, ये भुजा भी अपनी एक्स होगी। इसकी संगत यही है, इस त्रिभुज में ए ओ पी में ये भुजा एक्स है तो ये भुजा कितनी होगी, एक्स होगी। अभी इन दोनों सदिशों के कारण नेट या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है तो हमें इन दोनों सदिशों के घटक निकालने हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो सदिश है, ई प्लस की सदिश और ई माइनस की सदिश, वो क्षितिज से किसी न किसी कोण पर है। यह प्रदर्शन करने के लिए कि कैसे किस तरीके से इस कोण पर स्थित है, तो हम इस एपी रेखा के समांतर एक अन्य रेखा इस तरीके से खींच देते हैं और एक रेखा कुछ इस तरीके से। आप देखें, आप ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। दो समांतर भुजाएं, ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा, संगत कोण। ऐसा कोण बेटा, संगत कोण। और ये कोण थीटा तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। जेड जेड बन रहा है, जेड बन रहा मतलब कौन सा कोण, एकांतर। कैसा कोण है ये, एकांतर। मतलब ये थीटा तो ये थीटा संगत, और ये थीटा कोण है तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। ये कैसा कोण होगा, एकांतर। देखिए इनके घटक निकालने के लिए मैं आपको अलग से पी बिंदु यहां पर बनाकर और इनके घटक निकाल देता हूं, ताकि ऐसा नहीं होगी आपको समझने, नहीं तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इस पी बिंदु को यहां बना देता हूं, या आपका पी बिंदु आपने ऐसे बनाया था सर, ये पी बिंदु, और आपने ई माइनस के सदिश को ऐसे प्रदर्शित किया था सर, ई माइनस के सदिश, ये रहा पी बिंदु, ई माइनस के सदिश, और ई प्लस के सदिश को आपने यहां बताया था सर, कैसे बताया मैंने, ये ऐसे बताया था, ई प्लस के सदिश, ई प्लस क्यू सदिश, और ये एक समांतर रेखा खींची थी इस एपी के, एक समांतर रेखा, और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा खींची थी आपने, आपने बताया था कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना है, थीटा कोण था। हाँ, तो अब इनके घटक निकालते हैं। तो घटक निकालने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है लंब का, उसको समझो। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जैसे एक कोई ए सदिश है जो कि क्षितिज से थीटा कोण पर स्थित है, तो इसके क्षितिज और ऊर्ध्वाधर घटक जब निकाले थे हमने, तो मैंने सीधा एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। वो शॉर्ट ट्रिक ऐसे थी कि सदिश जिस घटक के साथ थीटा कोण बनाता है वो घटक सदैव कोस थीटा होता है, और जिसके साथ थीटा कोण नहीं बनाता वो सदैव घटक कैसा होता है, साइन थीटा। हाँ, तो अभी क्षितिज के साथ थीटा कोण बना रहा है तो अपना क्षितिज जो घटक होगा वो होगा ए कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जहां थीटा कोण नहीं बनाता है वो घटक होगा ए साइन थीटा। अगर यही स्थिति कुछ इस प्रकार से होती, ये अपना ए सदिश, ये ए सदिश अगर ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता, ये रहा ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है, तो अपना ऊर्ध्वाधर घटक कोस थीटा होता और क्षितिज घटक क्या होता, साइन थीटा। तो जिससे थीटा कोण बनाता है वो कोस, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साइन। हाँ, तो सर ये घटक होगा आपका ए कोस कोस थीटा, और ये जो घटक होगा वो होगा ए साइन थीटा। अभी जो स्थिति यहां पर लग रही है वो ये वाली, देखें एक बार चेक करें। ए सदिश के जैसे अपना ई प्लस क्यू सदिश और ई माइनस क्यू सदिश है, देखिए ई प्लस क्यू सदिश वो क्षितिज से, इस क्षितिज से थीटा कोण बनाता है, क्षितिज से थीटा कोण बनाएगा तो इसका जो क्षितिज घटक होगा वो तो कोस होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो साइन होगा। मतलब आपका सर ये जो घटक होगा ई प्लस क्यू कोस थीटा होगा, और ऊपर वाला जो घटक होगा वो ई प्लस क्यू साइन थीटा होगा। इसी प्रकार आपका ई माइनस क्यू सदिश वो क्षितिज से थीटा कोण बनाता है। हाँ, तो वैसा वैसे इसका जो क्षितिज घटक है, और क्षितिज घटक क्या होगा, क्षितिज घटक तो आपका होगा सर ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा कोण बना रहा है ये घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। देखें सेम कॉन्सेप्ट है, ये वाला लग रहा है, क्योंकि इसका क्षितिज घटक ये क्षितिज, क्षितिज हमेशा इससे थीटा है तो ये कॉस बनाएगा, ऊपर वाला क्या बनाएगा, साइन। जैसे इस प्रकार हम e प्लस क्यू सदिश और e माइनस क्यू सदिश को इनके क्रमशः क्षितिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर सकते हैं। अब एक बार गणना कर लेते हैं धनावेश ऋणावेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण का मान कितना है। उसके बाद में आपने दिशाएं तो दिखाई है,
इसके घटकों के हिसाब से हम इसके परिणाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, धनावेश और ऋणावेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है। तो इसके लिए देखो, धनावेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रहा प्लस क्यू आवेश। इस आवेश के कारण एक्स दूरी पर पी बिंदु है, तो हमें पता है कि कोई भी आवेश उससे आर दूरी पर या एक्स दूरी है, एक्स दूरी से कोई पी बिंदु है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होता है, के क्यू अपॉन आर नहीं है सर, एक्स के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा, ई प्लस क्यू सदिश इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और दिशा, क्योंकि सदिश है परिमाण पे, ये दिशा किधर है, दिशा दिशा होगी हमारी, दिशा किधर है, बी से पी क्यू, बी से पी क्यू, इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर देंगे। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होगा, ई माइनस क्यू सदिश इज इक्वल टू येरा माइनस क्यू आवेश, इससे भी एक्स दूरी पर पी बिंदु है, तो परिमाण तो हमेशा वैसे ही वही निकलेगा कि क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन दिशा किधर होगी, दिशा इसकी होगी सर पी से ए की ओर, दिशा अंदर की ओर है, पी से ए की ओर। इसको हम समीकरण एक बोल देते हैं, ये हमारी जो समीकरण होगी वो समीकरण होगी एक, और ये हमारी जो समीकरण होगी वो समीकरण होगी दो। समीकरण एक व दो से देखें, समीकरण एक व दो से क्या निष्कर्ष निकलता है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इनके जो परिमाण है वो एक समान है, E प्लस क्यू का जो परिमाण है वो बराबर है E माइनस क्यू के परिमाण के, और वो बराबर किसके बेटा, मान लेता हूं, माना कि E के बराबर है, और इसका मान कितना है, दोनों का मान देखो, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों का मान है के क्यू बटा एक्स स्क्वायर या के अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण तीन बोल देते हैं, या मैं समीकरण कौन सी है, तीन। तो समीकरण एक दो से हमने इस पर मान बताया कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू का परिमाण एक समान है, वो ई के बराबर मान रहा हूं मैं, और वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक बार क्या देखे सर, यहां देखो परिमाण का गणना की, देखा हमने दोनों आवेश के कारण इस पी बिंदु पर, चूंकि दूरी दोनों के समान है, परिमाण दोनों का क्यू क्यू है, इसलिए इस पी बिंदु पर परिमाण का मान के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक समान आएगा। अभी देखें तो इनके घटकों में विभाजन किया, तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक देखो, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, e प्लस क्यू और e माइनस क्यू का परिमाण किसके बराबर है, e के, मतलब e प्लस क्यू भी e है और e माइनस क्यू भी कितना है, e, तो ये हो जाएगा e साइन थीटा, e साइन थीटा। दोनों घटक जो कि परिमाण में समान है लेकिन दिशा इन दोनों की कैसी है, विपरीत है, तो दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ऊर्ध्वाधर घटक जो कि परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक का देखो, e प्लस क्यू माइनस क्यू परिमाण समान है, e cos थीटा, e cos थीटा दोनों का परिमाण समान और जो दिशा है वो एक समान दिशा, एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो एक लाइन लिखेंगे नीचे, समान लाइन होगी, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, मैं लिख देता हूं आपके लिए, ऐसा लिखेंगे, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान परंतु ऊर्ध्वाधर घटक कौन कौन से हैं, इसको ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं, e प्लस क्यू साइन थीटा कॉमा e माइनस क्यू साइन थीटा,
ऐसा आप इसके आगे लिख सकते हो। ऊर्ध्वाधर घटक ए प्लस क्यू साइन थीटा ए माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण ये परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि क्षितिज घटक, क्षितिज घटक कौन कौन सा घटक? क्षितिज घटक है सर e प्लस क्यू कॉस थीटा कॉमा e माइनस क्यू कॉस थीटा। जबकि क्षितिज घटक समान दिशा में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। हाँ, तो एक निष्कर्ष निकाल लिया हमने, इनके परिमाण का मान निकाला वो समान था, तो इनके घटक भी निकाल रखे थे पहले से। तो देखा हमने ऊर्ध्वाधर घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा, जो दोनों परिमाण समान है, ई साइन थीटा ई साइन थीटा, जो परिमाण में समान है ई साइन थीटा ई साइन थीटा और दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। जबकि जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक कौन से है? ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, एक समान दिशा होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी होगी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों के घटकों के योग के बराबर होगी। और इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा होगी कुछ दिशा इस तरीके से, ये होगी सर इसकी परिणामी दिशा। ई निरक्ष की जो दिशा है वो कुछ इस तरीके से होगी। और ये दिशा किसको प्रदर्शित कर रही है? ये दिशा आपकी माइनस क्यू से प्लस क्यू से दी, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, इधर दिशा किसकी होती है? ये होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, जिसे पी कैप से निरूपित करते हैं। और ये जो ई निरक्ष की दिशा होगी, ये दिशा इस माइनस क्यू से प्लस क्यू के विपरीत दिशा में, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, इसे हम माइनस पी कैप से निरूपित करेंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अतः पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान वो कितना होगा? वो होगा सर ई निरक्ष। क्या लिखेंगे? ई निरक्ष, परिणामी को ई निरक्ष मान लेता हूं। ई निरक्ष इज इक्वल टू दोनों के योग के बराबर होगा, e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों के बराबर। और दिशा किधर होगी? माइनस पी के, माइनस पी के क्यों लिख रहे हो? क्योंकि सर इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू के विपरीत दिशा में, और पी के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा को प्रदर्शित करता है, तो माइनस का जो चिन्ह होगा वो उसके विपरीत दिशा को प्रदर्शित करेगा। अतः e निरक्ष सदिश इज इक्वल टू परिमाण तो इन दोनों के योग के बराबर, e प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस e माइनस क्यू कॉस थीटा, और दिशा होगी माइनस का पी के। अभी देखिए समीकरण इसको दे देते हैं हम चार। ये समीकरण कौन से लेंगे बेटा? चार। अभी देखो समीकरण तीन व चार से किस किस से समीकरण तीन चार से क्या करेंगे? e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, उसका मान किसके बराबर है? e के बराबर। और वो किसके बराबर है? k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो यहां कुछ लिख देते, देखिए देखो समीकरण तीन व चार से, तीन चार से मान देखेंगे तो वो बराबर होगा बेटा e निरक्ष सदिश बराबर e प्लस क्यू का मान e के बराबर था, अभी बताया था, e माइनस क्यू भी e के बराबर था, और दिशा हो जाएगी माइनस का पी के। इसे लिखा जा सकता है टू e cos थीटा, और दिशा होगी माइनस पी के। और जिसे लिख सकते हैं हम e का मान कितना था? k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर cos थीटा माइनस पी के। ये आपका e निरक्ष सदिश को प्रदर्शित करेगा। अभी देखो हमें तो ऐसा था, थोड़ा सा डायग्राम वापस बनाना पड़ेगा मेरे को। देखो एक बार, जैसा कि अभी आपने डायग्राम बनाया था सर, माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश परस्पर
टू ए दूरी पर समान विभाजित कर दिया था, तो वो कितना था ए, ये ए और बी बिंदु पर स्थित थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश, ये ए दूरी पर, और हमें इसके निरक्ष निरक्ष रेखा यही थी, इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बी बिंदु था, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी थी। आपने बताया था सर इनकी यहां से जो दूरी है वो समान समत्रिभुज होने के कारण वो दूरी कैसी थी बेटा, एक समान, ये दूरी भी x थी और ये भी कितनी है x, और कोणों के मान भी कितने थे थीटा का, अभी आपने देखा था इसको। हाँ, तो यहां जो सूत्र निकल रहा है उस सूत्र x के रूप में आ रहा है, इसके रूप में आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें व्यंजक चाहिए कि केंद्र ओ से आर दूरी पर हमारा व्यंजक आर में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, तो एक्स को आर के पदों में लाने के लिए हम इस त्रिभुज की सहायता लेंगे, ये त्रिभुज वही है जो पहले बनाया था हमने। हाँ, तो इसी त्रिभुज से देखें जिसमें हमने ऐसा प्रदर्शित किया था ना कि ये ई प्लस क्यू सदिश है बेटा, और ये दिशा किसकी थी, ई माइनस क्यू सदिश की, तो उसी त्रिभुज से कोई सा भी त्रिभुज ले सकते हो आप, ए ओ पी ले सकते हो या बी ओ पी ले सकते हो, तो त्रिभुज हम ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में देखें, त्रिभुज ए ओ पी में क्या है, पहले तो एक्स स्क्वायर के लिए इस त्रिभुज में ये रहा त्रिभुज आपके पास में ऐसा ही था, ये आपका पी बिंदु, ये आपका ओ बिंदु, ये आपका ए बिंदु, ये यहां से एक्स दूरी, ये दूरी कितनी थी आर दूरी, ये कितना था ए, यहां से कौन कितना है थीटा, ये तो बनाया था। हाँ, तो त्रिभुज ए ओ पी में देखो क्या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दो चार थी, इसको पांच बता देते हैं, और इसको समीकरण नंबर बोल देते हैं हम छह, ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, छह हो जाएगी। इसी त्रिभुज में कॉस थीटा को भी इसके पदों में लाना होगा, आर के पदों में, तो लिखते हैं हम कॉस थीटा, कॉस थीटा आप जानते हो त्रिकोणमिति से आधार बटा कर्ण, आधार कितना है ए, कर्ण कितना है एक्स, ए बटा एक्स, फिर x के रूप में लाना, किसके रूप में लाना, r के रूप में, तो फिर वापस यहां से x बराबर कितना ले सकता हूं, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का है, तो अंडर रूट लिखो या घात, अंडर रूट को क्या बोल सकते हैं, घात एक बटा दो, तो लिख सकता हूं मैं a बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात एक बटा दो, यह आपका cos थीटा, जिसको समीकरण नंबर कितनी बोलेंगे सात। अभी देखिए हम समीकरण छह, समीकरण चार, सॉरी समीकरण पांच छह और सात से, समीकरण पांच छह और सात से क्या करेंगे, समीकरण छह से एक्स स्क्वायर का मान और समीकरण सात से आपके कॉस थीटा का मान इस समीकरण पांच में रख देते हैं। हाँ, तो यहां पर लिखता हूं फिर समीकरण समीकरण पांच छह व सात से, समीकरण पांच छह व सात से मान रखो, देखो ई निरक्ष सदिश बराबर क्या मान होगा बेटा, मान रखेंगे तो हो जाएगा सर 2kq अपॉन x, x स्क्वायर इसका मान कितना था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और cos थीटा का मान कितना बेटा, वो है सर a बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 1 बटा 2, और दिशा क्या है माइनस v के, बताया था अभी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, मतलब प्लस q से माइनस q की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस q से प्लस क्यू की ओर, हाँ, तो इसीलिए लिख रहा है माइनस का चिन्ह माइनस वी के। हाँ, देखो तो ये हो जाएगा अभी e निरक्ष सदिश बराबर, इसको लिखा जा सकता है k q, इस दो को इस a के साथ लिख दो, क्यों लिख दो, तो ये तो एक सूत्र बनेगा, इसलिए कर रहे हैं ताकि q into 2a एक सूत्र बन जाए, वो सूत्र जानते हो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करेगा। हाँ, तो नीचे की ओर लिखे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक बटा दो, इसकी घात एक है, आपको बीजगणित में पता है आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ती, आधार क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दोनों के, और घाते इसकी एक है इसकी एक बटा दो, तो परस्पर घाते जुड़ जाएगी, तो मान क्या आएगा बेटा, वो मान कितना रहेगा, वो मान आ जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात एक प्लस एक बटा दो, एक प्लस एक बटा दो को अगर करोगे तो वो मान आएगा तीन बटा दो, और यहां पर कितना बेटा माइनस पी, ठीक क्या, इस क्यू इंटू टू ए को लिखा जा सकता पी, यहां लिख देंगे चूंकि क्यू इंटू टू ए बराबर पी, और होता क्या है, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जानते हैं। हाँ, तो
इसको हम लिख सकता हूं kp बटा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस t के लिए, जिसको प्रोड्यूस करेंगे अपन e निरक्ष सदिश। ठीक बात है, समझिए देखिए kp अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस t के। यहां देखो जैसे इस गणना को थोड़ा सा और अपने को सिंपलीफाई करना है, तो इसको करने के लिए वहां पर भी हमने किया था ये a, ये a क्या है वो 2a दूरी थी जो प्लस के और माइनस के बीच की अत्यल्प दूरी होती है जो द्विध्रुव का निर्माण करती है। तो ये जो a दूरी है ये r क्या है, ये r दूरी है प्रेक्षण दूरी, ये अपने केंद्र o से r दूरी पर p बिंदु था वो प्रेक्षण दूरी। तो प्रेक्षण दूरी उस 2a दूरी से के मान से बहुत ज्यादा होती है, तो हम लिखेंगे कि r का मान ज्यादा है सर a से, और स्क्वायर कर दिया तो मान बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक मान है मेरे पास में 25 25 मान है, एक मान है मेरे पास में 3, अभी 25 और 3 देखें नगण्य नहीं मान सकता, दोनों का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर करोगे तो 625, 3 का स्क्वायर करो 9, अब 625 में से 9 को जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो यहां पर कैसे हो रहा है, आर का मान ए से ज्यादा है, वही ये 5 है ये 3 है, अभी यहां पर मान का फर्क पड़ सकता है लेकिन अगर स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर तो ये बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा स्क्वायर, 625 और 9 वही एग्जाम्पल अभी बताया था जो, तो 625 बहुत ज्यादा, आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस ए स्क्वायर को इस आर स्क्वायर के साथ में जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क, तो इस ए स्क्वायर को नगण्य मान कर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एक लाइन लिख लेंगे यहां पर आर का मान आर स्क्वायर का मान बहुत बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, अतः ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के सापेक्ष नगण्य मान कर छोड़ने पर। सदैव ध्यान रखना नगण्य जो माना जाता है वो सदैव या तो जोड़ने में या घटाने में, गुणा भाग में कभी भी नगण्य नहीं माना सकता। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली जो चीज होती है यहाँ ए स्क्वायर यहाँ पर वाला ए वो भी अटल, ऐसा नहीं, केवल ये आर स्क्वायर के साथ में जुड़ रहा है तो जोड़ने घटाने में हो सकता है नगण्य, लेकिन गुणा भाग में ऐसा नहीं नगण्य करके हम घटा सकते हैं या जोड़ने में, तो इस स्क्वायर को नगण्य मान कर हटाने पर क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा बेटा ई निरक्ष सदिश बराबर के पी बटा आर स्क्वायर की घात 3 बटा 2 और माइनस पी के, घात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई निरक्ष सदिश का जो मान प्राप्त होगा वो मान प्राप्त होगा के पी बटा आर क्यू और दिशा क्या होगी माइनस पी के। हाँ तो देखो अपने पास में परिणामी सदिश का मान प्राप्त हो गया है, यही हमारा व्यंजक है, यही परिणामी व्यंजक है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है, परिमाण का मान कितना है वो अलग से लिख देता हूं, परिमाण का जो मान है ई निरक्ष सदिश वो परिमाण है बेटा के पी बटा आर क्यू, और जो दिशा है वो दिशा क्या है, वो दिशा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, क्योंकि हमने माइनस पी के से प्रदर्शित किया है। इससे एक छोटा सा निष्कर्ष निकालेंगे हम, निष्कर्ष कल वाला जो व्यंजक था और आज वाला व्यंजक इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं। निष्कर्ष क्या था, कल हमने एक सूत्र पढ़ा था जो ई एक्स का मान था वो कितना आया था बेटा 2 के पी अपॉन आर क्यू और दिशा थी पी के, और जो आर पढ़ा है हमने ई निरक्ष का मान वो पढ़ा है के पी अपॉन आर क्यू और माइनस पी के। कहने का मतलब पहले तो दिशा के रूप में देख लो कि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में और दूसरे की जो दिशा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, और जो परिमाण की बात देखें तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जो ई अक्ष का परिमाण है वो 2 गुना है। देखो ना एक बार इस के पी बटा आर क्यू के लिए लिख सकता हूं ना, तो ये लिख सकता हूं मैं तो ई निरक्ष, तो कहने का मतलब ई एक्स अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण वो 2 गुना होता है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण। तो इस प्रकार हम ये व्यंजक व्युत्पन्न कर सकते हैं, और आज का टॉपिक अपना यही था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना। ये करीब आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें आधे नंबर की परिभाषा रहती है जो पहले ही मैंने आपको बताई थी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करते हुए ऐसे मात्रक लिखे। इस पर आधारित जो प्रश्न है इसके जो एग्जाम्पल है होमवर्क में आप ये चीज कर सकते हो। होमवर्क में क्या करेंगे, हम होमवर्क में ये करेंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल एक तो 18 एक 19 कल भी बताया था मैंने 18 19 एग्जाम्पल है उनको आप सोल्व करना, न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूला बेस्ड है, आप जैसे ही फॉर्मूला रखोगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है
तो आप इसकी इसके बारे में जो भी कमेंट वगैरह है वो मेरे को बताना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को आपको वापस सॉल्व करके दिखाऊंगा। आई थिंक मेरे हिसाब से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखते ही आंसर आपका आएगा। इसी प्रकार आप इसके अभ्यासार्थ जो प्रश्न है, बहुचयनात्मक प्रश्न, उन बहुचयनात्मक प्रश्नों में आपका एक प्रश्न नंबर है सातवां, एक प्रश्न नंबर है आपका बारहवां, जो कि आपके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर ही आधारित है। P = Q×2A जो सूत्र लगाओगे सूत्र से आसानी से उसे व्यंजक में व्युत्पन्न कर सकते हो। इसी प्रकार आपका अति लघुरात्मक में बारहवां तेरहवां प्रश्न है, बताया था बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके इस निम्नात्मक में तीसरा प्रश्न कल भी बताया था मैंने आपको, कल आपको केवल अक्षीय रेखा बताया था, आज निरक्ष रेखा के लिए बता दिया। वैसे तीसरा क्वेश्चन अक्षीय रेखा के लिए, लेकिन निरक्ष पर भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर चौथा आप पढ़ लेना, जो कि निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए। और इसी प्रकार आंकिक प्रश्न में एक प्रश्न है, इसमें केवल वो है तेरहवां प्रश्न, तो तेरहवां प्रश्न भी आप कर लेना। तो ये सारे जितने भी आपके आंकिक प्रश्न और छोटे बड़े क्वेश्चन है वो सारे सुन जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।